देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और वहीं आज बिमटेक का भी 32वां स्थापना दिवस है। मतलब बिमटेक इंस्टीट्यूट को जो है 32 साल हो गए इनकी संस्थान को। जी हाँ, और आज जो है कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में बिमटेक संस्थान के अंदर हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं NHRDN के महानिदेशक धनंजय सिंह जी। बात करते हैं कि आज स्थापना दिवस पे 32वां स्थापना दिवस बिमटेक को लेकर क्या कहेंगे। बिमटेक ने भारत के निर्माण में जो योगदान किया है और जो कर रहे हैं वो बहुत उल्लेखनीय है, और जिस तरह से मानवीय मूल्यों को लेकर के किस तरह से आधुनिक शिक्षा दी जा सकती है, संस्थाओं को बनाया जा सकता है, ये बिमटेक इसका एक जीवंत उदाहरण है। तो मैं उनकी इस 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिमटेक को डॉक्टर चतुर्वेदी और उनके पूरे परिवार, जो इतने फैकल्टी मेंबर्स और सारे लोग हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे मालूम है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो आने वाले समय में ऐसे ही देश की बहुत ही उत्तम सेवा करते रहें। सर, बात की जाए हरिवंश चतुर्वेदी जी की, तो एक ऐसे निदेशक हैं जिन्होंने जो है एक एजुकेशन से लेकर नहीं, वहाँ समाज तक के बीच में आए हैं। इनकी एक बिमटेक एक नाम है, उसको लेकर आप क्या कहें। देखिए, मैं किसी भी संस्था को बनाने की में उस संस्था से जुड़े हुए लोगों का योगदान होता है। संस्थाएं किसी ईंट पत्थर या इन चीज़ों से ही नहीं बनती। जो उस संस्था के अंदर लोग हैं वो संस्था को बनाते हैं, और उसमें जो नेतृत्व है संस्था का, उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप डॉक्टर चतुर्वेदी को देखिए, पिछले 20 वर्षों से वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं एज अ डायरेक्टर, और पिछले 20 वर्षों के अंदर उन्होंने जिस तरह से एक पर्सनल लीडरशिप, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इस संस्था को बनाया, ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस, जो कि एक पुरानी विचारधारा की कही जा सकती हैं, बिरलाज जिस तरह से वो लोग चीज़ों को रन करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता है कि वो एक लीडरशिप को बनाएं। और डॉक्टर साहब के अंदर एक लीडर होने के नाते वो क्षमता है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप से इस संस्था को ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचाया जिसके लिए कि पूरा बिरला परिवार और सब भारत समाज का हर व्यक्ति बहुत गर्व महसूस करता है। थैंक यू।